पॉलिटिकल नहीं है, ये मैसेज थ्रू मीडिया। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के थ्रू, आपके यूट्यूब के थ्रू जो मेरा दिल का आवाज है वो सबके पास जाए। ये मैसेज सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये मैसेज सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, ये मैसेज मेरे टिपरासा जो अपने आप को टिपरासा समझते हैं, जो अपने आप को हानि दुसा समझते हैं उसके लिए। आज से थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम था और उस समय मुझे बोला गया कि यहां में हमारा जो पत्रलीला जमातिया है उनके घर का कंडीशन बहुत खराब, तो मैं उनके घर गया था किला में, इनसे मिलके आया, इनको हेल्प भी करके आया। लेकिन सच्चाई है कि ये सिर्फ इनका प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा दोहा का प्रॉब्लम। यहां में बहुत एमएलएज हैं, ईएम्स हैं, एक्स ईएम्स हैं, एक्स एमएलएज हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं। आप सबके घर में चले जाओ, उनका कंडीशन इतना खराब नहीं होगा जितना हमारा हदा का था, हमारा अकरा का था। क्यों क्यों है कि मंत्री का घर को कभी प्रॉब्लम नहीं होता है और हमारा समाजपति का घर को प्रॉब्लम है? क्यों है कि जो लोग हमको बोलते हैं कि आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, जो नेता लोग बोलते हैं कि आपको अपने बच्चे को इंग्लिश एजुकेशन नहीं देना चाहिए, उन्हीं का नेता का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, लेकिन आपका बच्चा को बोला जाता है कि आपका बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़े? क्यों? दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स, ये आर्थिक प्रॉब्लम है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई कम्युनिटी को 100 रुपया देकर पूरा दिन वंदे मातरम, लाल सलाम, भारत माता की जय अगर कोई कर सकता है 100 रुपया देकर, फ्लैग उठाकर पूरा दिन पॉलिटिक्स करो, वो टिपरासा ही है, क्योंकि टिपरासा गरीब। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और मेरा मैसेज है कि जब तक हम अपना इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक नहीं करेंगे कुछ नहीं। मैं सिर्फ समाजपति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सामने में मीडिया भी है, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन बहुत मीडिया के मेरे फ्रेंड्स से हमेशा फोन करते मुबागरा थोड़ा एडवर्टाइजमेंट दे दो, चल रहा नहीं है। और मैं समझता हूं कि सच में आप लोग झूठ नहीं बोल रहे, मैं जानता हूं कि आपके ऊपर भी प्रेशर है, महीने का अंत हुआ, सैलरी देना है, घर चलाना है, बच्चा को स्कूल में भेजना है, फेस्टिवल हुआ, त्योहार हुआ, अपना बीवी बच्चा के लिए कुछ खरीदना है, आपके पास महीने का अंत तक पॉकेट में 10 रुपये नहीं बचता, ये सच है। और ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम मेघालय में क्यों नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम मिजोरम में क्यों नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम नागालैंड में क्यों नहीं है, अरुणाचल में क्यों नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ त्रिपुरा में क्यों है? क्योंकि हम लोग कमजोर हो गए, हम लोग गरीब हो गए, हमारे हाथ में सिस्टम नहीं है। अगर आपको सिस्टम को लेना है तो एकता को रखना पड़ेगा। आपका नारा आता है मुझसे मिलने के लिए,
मैं भी बहुत सीखा हूं आपसे वीरेंद्र, मैंने आपसे बहुत सीखा। शुरू शुरू में जब बुबागरा महाराज बन के आता था, मुझे लगता था कि मेरे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन एक आदमी को कभी नहीं मिलेगा, कम्युनिटी को सोल्यूशन चाहिए। जब नारायण आके बोलता है कि मेरा स्कूल को मरम्मत करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, जो त्रिपुरा कम्युनिटी का सबसे बड़ा समाजपति है उसके पास अपना स्कूल को खत्म करने के लिए पैसा का प्रॉब्लम है, तो ये शर्म सिर्फ त्रिपुरा समाज को नहीं, हम सबको पता। जब पद्मलीला जमातिया का घर, जब बारिश होता है घर से छत लीक करता है, तो ये शर्म सिर्फ जमातिया को नहीं होना चाहिए, पूरा त्रिपुरा सा कम्युनिटी को होना चाहिए। जब कोई हमारा रियांग, उनको आप जाके देख लो, अभी ब्लू सेटलमेंट का पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, नेता को थोड़ा रुपए देकर डिवाइड कर दिया, रियांग गरीब था, गरीब है और जैसा चल रहा है गरीब रहेगा। जब रियांग को डिप्राइव किया जाता है तो ये रियांग का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम त्रिपुरा सा का है। जब तक हम लोग सिर्फ अकेला अपने बारे या अपना जाति के बारे, अपना टाइटल के बारे, अपना सरनेम के बारे में, जमतिया हूं मैं, उच्चय हूं मैं, बंगचर हूं मैं, कैपेंग हूं मैं, कोल, ये सोचते रहा ना, कुछ नहीं मिलेगा। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये लॉजिकल है। यहां में आपका मीडिया चैनल्स है, कोई कॉपिन है, कोई श्रांग जाति है, कोई चीनी खोरांग है, कोई कप त्रिपुरा है, कोई डोंगर है, लेकिन आप लोग सब गरीब। अगरतला प्रेस क्लब में आपको 2 मिनट में अगर आपने अपना जाति के बारे में बात किया, आपको लात मार के निकाल देगा, लेकिन ये बोलने का हिम्मत नहीं। थानसा अगर आपने नहीं रखा, कुछ नहीं मिलने आपका। आज मैं यहां में आया, मैं चश्मा पहनने लगा हूं, आज भूभागरा का भी उम्र हो गया, आप सबका उम्र हो गया। विजय रांकोल यहां में एक टाइम जंगल में विजय रांकोल उस नाम सुन के सब डरता था, आज विजय रांकोल का भी उम्र हो, पवित्र भक्ति का भी उम्र हो, यहां में कोई जवान नहीं है। आपका टाइम गया, मेरा टाइम भी जा रहा है, लेकिन आपका जो बच्चा है उनका क्या होगा? रुबिन रांगलोंग, व्हाट विल हैपन टू योर चाइल्ड? उनका भविष्य का क्या होगा? हमने तो देखा है, हमने देखा है 80 दांगा भी देखा, 3 निर्यपट भी देखा, मोथा को भी देखा, आईपीएफटी को भी देखा, क्यूजेएस को भी देखा, पवित्र भक्ति विजय रामपाल ने टुम्बुर को भी देखा, अपना हानि भूसा को भूमिहीन किया गया वो सब देखा, देखा ना। बहुत लोग ने अपना घर जलते हुए देखा, और आज भी हम लोग अपने आप का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सका, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जलता है, जेलसी। और मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ भी हो, बिजनेस करना हो, पढ़ाई करना हो, नौकरी करना हो, शादी करना हो, खुश रहना हो, तो सबसे पहले अपने दिल के अंदर से जलन को, नेगेटिविटी को और अहंकार को बाहर लो, क्योंकि आज अगर एक त्रिपुरा सा दूसरा त्रिपुरा सा को मारेगा तो त्रिपुरा सा को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आज दे वर्मा जमंतिया को मारेगा तो जमंतिया को मार के दे वर्मा को कुछ नहीं मिलने वाला,
आज अगर गंदा छरा में रियांग और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा हुआ तो ना रियांग को कुछ मिलेगा ना त्रिपुरा को। आज अगर अम्पी में जमतिया और कलोए काइपे लोंगचेर लड़ते रहा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। एक होने के लिए सबसे पहले भस्मभूजन क्या करते हैं हम लोग, विजयदशमी। विजयदशमी में भस्मभूजन होता है। विजयदशमी क्यों होता है कोई बता सकता मुझे? उस दिन राम ने रावण को मारा। आपका रावण सामने नहीं है, कोई इंसान नहीं है, आपका रावण आपके दिल के अंदर है। ये नेगेटिविटी को आप खत्म करो। यू विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ इफ यू आर नेगेटिव। हां, जब पेट खाली है, बाहर में गर्मी है, तालाब सूखा है, प्यासा है, तो कभी कभी हम लोगों का लीडर लोग कुछ देखकर गलती रास्ता में चला जाता है। लेकिन मैंने एक चीज समझा और ये मेरा मैसेज है, प्लीज अंडरस्टैंड। आज मणिपुर में यहां में हम लोग के पास विष्णुप्रिया है, बैदय है, कुकी है। आज मणिपुर में जो हो रहा है मैं आपको राइटिंग में लिख के दे देता हूं। 40 साल तक ना मणिपुरी को, मैतेई को, विष्णुप्रिया को, ना कुकी को कुछ मिलेगा। पूरा दुनिया हंस रहा है, हम लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। आप लोग दोनों जाकर दिल्ली जाओ या कलकत्ता जाओ, सब आपको नाक चेपटा बोलकर आपको एक ही समझेगा। लेकिन हम लोग दिशा अपना अलग, रिग्नाय अपना अलग, हम लोग अलग, धर्म अलग, रिलीजन अलग। आपका जमीन एक है, आपका बच्चा का भविष्य के बारे सोचो, थिंक अबाउट योर बच्चा। थोड़ा बाहर देखो क्या होगा। बहुत लोगों से मैं दिल्ली में मिलता हूं, सब लोग बोलते हैं, बहुत नेता लोग बोलते हैं, अरे आप लोग तो ट्राइबल है, आप लोग तो आदिवासी है, आप लोग तो वनवासी है, आप लोग कितना अच्छा लोग है, आप लोग तो जंगल में रहता है, आप लोग वही रहो, जैसा है वैसे ही रहो, आप लोग प्योर है। तो क्या गुफा में रहे? हमारा बच्चा को स्कूल नहीं चाहिए, हमारा बच्चा को, हमारे मां बाप को हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हमको बिजली नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपको वनवासी है, आपका काम है जंगल में रहना, वनवासी। तो जो अठरामुरा में, जो गंडतीसा में, जो अंबासा में, जो जंगल में, पिपरासा कम्युनिटी के बाहर भी तो बहुत लोग रह रहा है, उनको हम लोग वनवासी बोलेगा नहीं? तो क्यों हम लोग के लिए? हमको गरीब रखने के लिए क्या दिया जाता है? सुअर पालो, मुर्गी पालो, बकरी पालो। बकरी पाल के, सुअर पाल के आप 2025 में, 24 में अपना बच्चा को यूनिवर्सिटी भेज सकेगा? खेती करो, हाँ करो। ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर दो। जमीन, आज जमीन खास, सब चीज खास। अगर कला को खास लाइन बनाओ, अगर कला को नहीं बनाएगा, लेकिन हम लोगों का जगह खास लाइन,
फॉरेस्ट लैंड। रबर बगान लगाना, यहां में लगाओ रबर बगान, यहां में आपको आईटी इंडस्ट्री करना है, यहां में आपको शॉपिंग सेंटर करना है, यहां में आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना है। हमारे एरिया में फूल पालो, बंदर पालो, यहां में रबर लगाओ, वहां में मच्छी लग करो। गरीब रखने के लिए हमको एक, हमें गरीब बनाकर रहने के लिए हम लोगों को बनाया गया, हमें ऐसा प्लानिंग कर। और ये क्यों चलता है? ये सिर्फ बीजेपी सीपीएम मोथा कांग्रेस कुछ नहीं, हम लोग बेवकूफ हो गया। हम लोग ने अपना कमजोरी बाहर का लोगों को दिखाया, इसके लिए हम लोग आज यहां में कमजोर है। जो मिजोरम में नहीं हुआ, जो नागालैंड में नहीं हुआ, जो मेघालय में नहीं हुआ, जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुआ, वो त्रिपुरा में, बिकॉज वी वर जेलस ऑफ ईच अदर, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जलते थे। हमको चिंता नहीं था कि हमारा बच्चा अच्छा स्कूल जाए या ना जाए। अगर विजय रंकोल के पास पैसा है तो विजय रंकोल का घर को चलाओ, विजय रंकोल को गरीब बनाओ, खुद अमीर मत हो। ये नेगेटिव माइंडसेट लेकर हम गए। जब तक समाजपति आप लोग अपना सोसाइटी को नहीं उठाएगा, नागालैंड में हो है नागा हो, उनका पूरा समाजपति का एक सिस्टम, मेघालय में रंगबाशनोंग दरबार उनका एक सिस्टम है समाजपति, मिजोरम में उनका सिस्टम, अरुणाचल प्रदेश में उनका सिस्टम है, अरे उत्तर प्रदेश हरियाणा में पंचायत उनका सरदार होता है, उनका चौधरी होता है हरियाणा में, चौधरी सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, चौधरी हरियाणा में भी, और वो लोग पंचायत में डिसाइड करते। हम लोग, अरे आज किसी ने पत्तून खरीद लिया, किसी के पास स्कूटर आ गया, टायर पंक्चर कर दो, तो रावण को अगर मारना है तो धनुष से नहीं, अपने अंदर से ये जलन को, ये ईर्ष्या को हमको खत्म करना। ठीक बोल रहा कि गलत बोल रहा? Am I talking the right thing or गलत? आपको एमपी बनना है महाराजा, आपको मंत्री बनना है, वो तो आपका पिताजी भी था, वो तो आपका मां भी था, आपको जिंदगी में क्या करना है? आपको महल चाहिए, पैदा जिस दिन पैदा हुआ उस दिन महल था, तो क्या क्या चाहिए प्रद्योत विक्रम माणिक्य को? प्रद्योत विक्रम माणिक्य को अच्छा नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। वो इज्जत तभी मिलेगा जब उसका कम्युनिटी को, तीप्रासा कम्युनिटी को रिस्पेक्ट, सम्मान, पैसा, अधिकार मिले। तो जब दिल्ली में बात हुआ हमारा समाजपति को मैं ले गया, काउंसिल ऑफ तीप्रासा हौदा को मैं ले गया, वहां में लंबा बात हुआ, फिर से और एक बात होगा। जानता दिल्ली का जो मिश्रा जी है उसने क्या कहा? मुझे नहीं, इनको कहा डायरेक्टली, बोला सब ने आकर बोला है हमको क्या चाहिए, लेकिन समाजपति काउंसिल ऑफ तीप्रासा ने आके बोला है तीप्रासा को क्या चाहिए। ये फर्क है, किसी को लाल बत्ती चाहिए, किसी को बॉडी गार्ड चाहिए, आपका क्या बॉडीगार्ड जब आपका जमीन ही आपका अंदर आपके कंट्रोल में नहीं? कुछ नहीं हुआ। तो अगर
हमको कुछ मिलेगा। एंड आई प्रॉमिस, अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता तो इलेक्शन के नेक्स्ट डे कॉम्प्रोमाइज करना, अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता अगर पैसा आपको मिलेगा तो वो आप भुगा भी दे सकता है। आपको भी एक दूसरे के संग एक रहना पड़ेगा। अपना बारे मत सोचो। एक बार अपना घर में, यहां में तो बहुत लोग दादा भी होंगे दादी भी होंगे, एक बार मोबाइल फोन में अपना पोता का पिक्चर देखो। आपको वही जिंदगी देना है जो आपका जिंदगी रहा। इलेक्शन के टाइम ये लोग बोलता है 500 रुपया देने से तिपरासा का वोट मिल जाता है। 500 रुपया में तिपरासा को खरीद सकता है ये लोग बोलता है। तो 500 रुपीज दे कैन बाय द वोट्स ऑफ द ट्राइबल। दे से दैट इन दिल्ली। नेक्स्ट टाइम आप 500 रुपए लेने से पहले अगर आपने लिया तो नेक्स्ट टाइम कंप्लेन मत करना कि आपका बच्चा आज भी अनपढ़ क्यों है। मत पूछना जब आप हॉस्पिटल जाता है, जीबी हॉस्पिटल जाता है तो आपको जमीन में सोना पड़ता है, आपके पास डॉक्टर नहीं है, मलेरिया से डायरिया से आपको गंडरद्वीसा से है, रायमा वैली से, मलेरिया से और डायरिया से अगर इंडिया में कोई कहीं मरता है तो अपना पिपरासा एरिया में मरता है, जनरल एरिया में कोई डायरिया मलेरिया से नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कमजोर हो गए। अधिकार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के लिए आपको मजबूत होना। मेरा पिताजी बोलता था महाराजा किरण विक्रम, When you are weak, show courage. And when you are powerful, be humble. Today, I have the courage and I am not proud. I don't think about myself. मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूं, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं ना आपके लिए कर रहा हूं। और कल अगर मैं मर भी जाऊं, मैं जानता हूं मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल था। इट इज बीन माई टाइम, यू हैड अ गुड फाइट विजय बाबू, यू कीप ऑन सेइंग इट, द फाइट विल बी वन नॉट बाय यू, नॉट बाय मी, बट बाय द कम्युनिटी। आज मेरा मैसेज ये है आपको, आने वाले दिन में मीडिया हो, एनजीओ हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, कर्मी हो, पॉलिटिक्स प्रासा के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि तिपरासा पॉलिटिक्स समझते ही नहीं है। और जो भी हम लोग पॉलिटिक्स करता है, तिपरासा तिपरासा को काटने का पॉलिटिक्स करता है। यूपी में यादव, बिहार में यादव, यादव के साथ फाइट नहीं करना, एक हो जाता है। राजस्थान में ठाकुर ठाकुर एक दूसरे से फाइट नहीं करता, एक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में दलित एक के साथ फाइट नहीं करता, एक हो जाता है। हम लोग पॉलिटिक्स के नाम में एक दूसरा को भी मारते जाता है, एक दूसरा को भी मारते जाता है। और भाई कहां हम नाम सब, आ जाओ, बॉर्डर खुला है, आ जाओ राज करो। हमको लगता है हम लोग बहुत पॉलिटिक्स जानता, कुछ नहीं जानता। पॉलिटिक्स में आपका सबसे बड़ा षड्यंत्र, आपका सबसे बड़ा यंत्र आपका जाति होता है। प्राइम मिनिस्टर को बनाया गुजरात ने, लालू प्रसाद को बनाया बिहार का यादव ने, मुलायम सिंह को बनाया यादव ने, योगी आदित्यनाथ को बनाया ठाकुर ने, ब्राह्मण ने, और तिपरासा को काटा तिपरासा ने। ये है हम लोग का पॉलिटिक्स और ये है उनका।
मेघालय में कोंडा सांगमा फाइट करता पूरा गारो कोंडा सांगमा के साथ, मिजोरम में कोई भी आए एमएनएफ आए लाथन हवला आए कांग्रेस आए, मिजो का इंटरेस्ट सबसे पहले था। नागालैंड में भी वही, हम लोग का यहां में हम लोग का इंटरेस्ट कुछ नहीं है, कम्युनिटी का इंटरेस्ट कुछ नहीं है, खुद का इंटरेस्ट देखते हम लोग राजनीति का। ठीक हो सका, चेंज करो ये अग्रीमेंट जो भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन फॉर अ डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, ये सॉल्यूशन मैं सबसे पहले मैं नेता पॉलिटिशियन को नहीं रखूंगा, अपना तोहफा अपना समाज को रखूंगा। अगर पॉलिटिशियन को देना था तो 6-7 महीना पहले इलेक्शन का पहले अंडरस्टैंडिंग कर लेते, लेकिन ये फाइट कभी भी पॉलिटिक्स के बारे नहीं है, अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के बारे है। मैं नेक्स्ट जेनरेशन को बचाना चाहता हूं, हमारा टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट जेनरेशन को बचाया तो बोलेगा हाँ भुभागरा ने कुछ किया, समाजपति ने कुछ किया, अपना मेरा बाबा ने कुछ किया, मेरा दादा ने कुछ किया। उस दिन कोंडा सांगमा बोल रहा था कि उसका दादा, उसका मां बोला अपना दादा को, अरे क्यों फाइट कर रहे हो, अच्छा जिंदगी है क्यों फाइट कर रहे हो, तो उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट का दादा ने कॉन्ट्रैक्ट के मां को बोला चुप हो जाओ, आज अगर मैंने फाइट किया मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरा नाती को कुछ मिलेगा, उसका बच्चा को कुछ मिलेगा, आज उसका नाती मुख्यमंत्री है अपना राज्य, और हम लोग यहां में अपना बारे सोच रहा है, हमारा जिंदगी तो गया, बच्चा नाती उसके बारे सोचो, थिंक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन, वरना ना रहेगा हर्ष भूजन, ना रहेगा होजागिरी, ना रहेगा ममिता, ना रहेगा तीपरा सा, क्योंकि हा ही नहीं रहेगा आपके पास। हाँ कभी कभी मुबागरा और बहुत लोग बोलता क्या बहुत कठोर बात बोलता है, लेकिन यहां में दूसरे कम्युनिटीज है, विष्णुप्रिया है, मणिपुरी है, आप हमारा परिवार, आपने कभी भी हमको अत्याचार नहीं किया, एक टाइम त्रिपुरा का महारानी मणिपुर का था, आज आप जाके पूछो मणिपुरी को क्या इज्जत मिलता है गवर्नमेंट का बिल्डिंग में, कुछ नहीं मिलता, आज किसी को कुछ नहीं मिला है। आज जब तक आपके हाथ में झंडा नहीं है, जब तक आप अपना नेता का गुनगुनाएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं मिले, और वो भी उनके ऊपर है, आज मूड आया तो आपको 500 रुपए दे दिया, 1000 रुपए दे दिया, कल मूड नहीं आया काट दो, ऐसा नहीं चलता है सिस्टम। अगर आप चाहता है कि आपका लड़का, आपका बेटी, आपका नाती, आपका नातिन के पास कल एक गाड़ी हो ना, तो उसको गाड़ी का पीछे का सीट पे बैठना चाहिए, सामने का सीट पे ड्राइवर नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि गाड़ी का मालिक हो हमारा त्रिपुरा सा, आज हम लोग ड्राइवर बन के काम कर रहे हैं। ये मेरा मैसेज है, दिस इज माय मैसेज। कोई को लगता है कि थानसा ज्यादा बोलता है, महाराज 70 साल में थानसा नहीं किया, आज इसके लिए हम लोग यहां में ये एक परिस्थिति में है, और मेरा मैसेज कोई कम्युनिटी का अगेंस्ट तो है नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं, आई प्रे बट आई रिस्पेक्ट, त्रिपुरा का राजा का परिवार ने धर्म के नाम में कभी भी राज नहीं किया, शासन नहीं किया, सूजा के लिए मस्जिद बनाया तो मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जमीन दिया, बुद्ध मंदिर किसने बनाया, आज जो लोग जय श्री राम बोलते हैं, मुगल सामने था, किसने मां त्रिपुरा सुंदरी का सुरक्षा किया,
लेकिन हाँ मैं अपना धर्म को बेचता नहीं हूं। ये लोग धर्म को बेचकर राजनीति करते, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कोई टीका के नाम में बेचता है, कोई चर्च के नाम में बेचता है, कोई अल्लाह के नाम में दाढ़ी बनाकर बेचता है, और कोई साधु बनकर यूनिवर्सिटी खोलने के नाम में बेचता है। लेकिन अगर आपको रिलीजन में कुछ समझ है, कोई भी धर्म एक दूसरे से झगड़ने के लिए कोई भी नहीं बोलता। जेलसी, ईगो, नो रिलीजन टीचर्स, नो रिलीजन टीचर्स जेलसी एंड हेट्रेड। और जो लोग नफरत और थानसा को तोड़ने के बारे में बात करते हैं ना, वो लोग असल में धर्म को समझ ही नहीं सकते, एनी रिलीजन। सो आई प्रे, दिवाली है, उसके बाद क्रिसमस आएगा, ये आने वाला 2 महीना त्योहार है, कोई भी धर्म का हुआ, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई जो मुसलमान हो वो भी हो, आपको एकता रखना है और आपको समझना है कि आज से अगर कोई भी नेता, इलेक्शन के टाइम सब नेता लोग यहां में आया, ट्राइबल का उन्नति होगा, ट्राइबल को यूनिवर्सिटी मिलेगा, 125th अमेंडमेंट पास होगा, हेलीकॉप्टर से सब आपको बोला ट्राइबल को मिलेगा, ये घोषणा पत्र, ये मैनिफेस्टो, इलेक्शन जीत गया, कुछ मिला है हम लोगों को? फिर से 5 साल बाद बाकी यही बोलेगा, इसके लिए अभी हमको बोलना है जो आपने प्रॉमिस किया दीजिए, दीजिए, क्योंकि लोकसभा भी सामने है, विलेज काउंसिल भी सामने है। जब तक तिप्रासा अधिकार के बारे बात नहीं करेगा और मुफ्त में वोट दे देगा ना, किसी का शक्ल देखकर, किसी का 500 रुपए देखकर, तब तक तिप्रासा को कुछ नहीं मिलेगा। 20 साल तक यही हुआ तो और 5-6 साल से यही हो रहा है। कोई भी हो, पहले आप डिमांड को पूरा करो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। मेरा मैसेज पॉलिटिकल नहीं है, मेरा मैसेज अपना जाति को है। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा इमोशन के साथ, मेरा नहीं, आप सबका अधिकार इमोशन के साथ खेला जाया जाता है। जिस दिन एक हो गया ना, महाभारत में भी 5 पांडव ने 100 कौरव को हराया, हम लोग का नंबर कम नहीं है, लेकिन वो 5 पांडव एक था, भाई था, हमको पांडव बनना है, कौरव नहीं बनना है। अभी आज मैंने यहां में अवॉर्ड उठाया था काउंसिल ऑफ तिप्रासा होल्डर्स, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, आई वांट टू थैंक ऑल द हम लोग का स्पेशली ब्रूइस, यहां में जो हम लोग का बुरा है समाजपति, मैंने आपके लिए खाना भी आज रखा है। लेकिन मेरा एक आवेदन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संग तो सोल्यूशन लेके आऊंगे, लेकिन अगर यहां में कुछ लोग हैं जो मणिपुर जैसा यहां में फिर से टेंशन लगाने का कोशिश करेगा, अगर वायलेंस हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए शांति रखो, हिम्मत रखो, और खानसा रखो, और अपने अंदर विश्वास रखो, हम लोग कुछ ना कुछ लेके गए। बेलाई बेलाई महामाए, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल।